लगातार फ्रॉड हो रहे हैं, मतलब कस्टमर असी जो पेटीएम नहीं करते उन्होंने एक ड्यूटी चक्कर में 100-100 बंदा खड़ा होंगे, सानू भी लालच होंगे भी सानू ड्यूटी मिल जाए। साडा टैक्सी वाले वीरां नाल फ्रॉड बहुत हो रहा है, गैंग बनया हुआ बड़ा तगड़ा, वो वट्सएप के ग्रुपां दे राही ना सारे दी डिटेल उन्होंने कोल आ पता नहीं किस तरह, अलग अलग नंबरों तो कॉल करते थे फ्रॉड करते पेटीएम कराने, असी पूरी लिस्ट बनाई हुई है भी इस नंबर तो जे किसी भी कोई कॉल आती है भी उन्होंने पेटीएम नहीं करना है। लॉकडाउन ने पहले ही अन्य काम धंधों के साथ ही टैक्सी ड्राइवरों के कामकाज को भी प्रभावित किया है, और जैसे ही इन ड्राइवरों की गाड़ी दोबारा ट्रैक पर आई तो इनके साथ बड़ी ठगी हो गई। मामला पंजाब के जलंधर का है, जहां पर टैक्सी ड्राइवरों को ऑनलाइन सवारी देने का लालच देकर नौसरबाजों ने अपना शिकार बनाया है। अब तक इन नौसरबाजों का शिकार 100 के करीब ड्राइवर हो चुके हैं। इन टैक्सी ड्राइवरों से व्हाट्सएप के माध्यम से सवारी का लालच देकर कमीशन लिया जाता है, और जैसे ही पैसे पहुंचते हैं नौसरबाज अपना नंबर बंद कर देते हैं। साढ़े ना रोज लगातार फ्रॉड हो रहे हैं, मतलब कस्टमर असी जो पेटीएम नहीं करते उन्होंने एक ड्यूटी चक्कर में 100-100 बंदा खड़ा होंगे, सानू भी लालच होंगे भी सानू ड्यूटी मिल जाए, पर वो सवारी ने गल करा के तो दोनों ही स्विच ऑफ हो जाते, जो अभी पेटीएम करते हैं सवारी भी स्विच ऑफ कर लेंदी तो वो भी कर लेंदी, उन्होंने लेडीज़ भी नाल रखी होंगे। तो मतलब ठगी कितने हुई भाई? सर मेरा हुई है जलंधर तो अंबरसर की सवारी से, मैंने कहता भी 500 रुपया पेटीएम कर दो, डिटेल भी पाती थोड़ा छोटी बारादरी की, लोकेशन भी आई मेरे को, जो मैडम ना गल हुई मैडम कहती इतने पहुँच जाओ, बाद स्विच ऑफ हो जाता। तो पुलिस कंप्लेट नहीं की? कंप्लेट की और हमें कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, की मांग करते थे? सर मांग करते रोकया जाए टैक्सी तो अगे ही जिन्हें लोग सब डाउन हो चुके हैं, काम किसी को है नहीं, तो जो सा जेबों होंगे वो भी निकल जाते। दसो की गल हुई साढ़े नाल? अज अं इस करके इकट्ठे हुए हैं भी साडा टैक्सी वाले वीर फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो फ्रॉडिए गैंग बनया हुआ बड़ा तगड़ा, वो वट्सएप के ग्रुपां दे राही ना सारे दी डिटेल उन्होंने कोल आ पता नहीं किस तरह, वो फोन कर देंगे तुहाडी गड्डी फ्री आ तुहानूं सवारी दे दिंदे असीं ते पैसे सानूं पेटीएम कर दिओ, तो अही क्या पहला सवारी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया, सवारी का कॉन्टैक्ट तो गैंग के विच ना इहो लड़कियां भी रखी हुई तसली कराने वास्ते, वो तसली करा दे ठीक है जी है भैया इस एड्रैस पर पहुँच जाओ साढ़े को, जो सा ड्राइवर पहुँच जाता उत्थे नाल ही फ्रॉडीए का फोन आता कहता पेटीएम कर दौ जी ताकि गल हो गई है, अही पैसे पेटीएम कर दी पेमेंट चल गई वो ही दोनों के स्विच ऑफ हो जाते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਬਈ? ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਸਵੂਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੋਡੀਏ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਜੁਆਇਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੋਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਰਾਜਨ ਜੋਸ਼ੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟੀਐਮ ਫਰੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਲੰਧਰ ਏਕਤਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਫਰੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਟੀਐਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਡ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਲਿਸਟ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੋਡ ਇੰਨਾ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਪਾਤੀ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟੀਐਮ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਪੇਟੀਐਮ ਹੈ, 5500 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ 4500 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਓ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ 500 ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟੀਐਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਚੱਕਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਪਾਤੀ, ਟਿਕਟ ਪਾਤੀ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ,
उस तो बाद उन्होंने 500 रुपया होर मेरे तो पेटीएम मंगा लिया 1000 रुपया जो पेटीएम हो गया उदो फोन बंद हो गया मतलब एजेंट तुम अगे कस्टमर देता वा हाँ जी उदो फिर वो स्विच ऑफ कर लेंगे अपना फोन क्योंकि साढ़े जितने मैंबर है सारे के ग्रुपा मैसेज पैंते हैं भी आह बंदा इतने फ्री आ इतने फ्री आ ठीक है क्योंकि असं जो इतों जाइए दिल्ली में जाने उत्थे जाके जी गड्डी फ्री होंगी असं खाली तो आना नहीं हूँ असं चाहते हैं भी सानू कुछ ना कुछ उतों मिले क्योंकि एक तो रेट तेल का बढ़िया हुआ है असं खाली तो उतों आवेंगे नहीं जी इस करके साढ़े ना पेटीएम जिन्ना असं कमाना होंगे उदो डबल साडा चल जाता है। फिलहाल टैक्सी ड्राइवरों की ओर से उन नंबरों की सूची तैयार करके पुलिस को दी गई है जिन नंबरों से वे नौसरबाज ठगी करते थे। अब देखना होगा कि कब पुलिस इन नौसरबाजों तक पहुंचती है। इससे पहले भी कई लोग ऐसी ही ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं। हम भी अपने चैनल के द्वारा लोगों को अपील करते हैं कि ऐसे नौसरबाजों के प्रति सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।